आज का वीडियो होने वाला है हमारे घोड़ों को गैलप रेस से पहले कैसे देते हैं वो दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं। तो आगे हमारे घोड़े गए हुए हैं, उधर जाके उनका काम देखेंगे। वो ब्रेक नहीं है बाइक के, ब्रेक नहीं है तो ध्यान से दाना पड़ेगा यार। मैंने अभी ऐसे पैर वाला ब्रेक दबाया तो ब्रेक है ही नहीं। चलते हैं इधर से कोर्स के अंदर। उत्ते भाई ब्रेक नहीं है यार, उत्ते नहीं है कसम से। बिना ब्रेक के रोकना बहुत हाईली रिस्की हो गया है। और आज हमारा कोर्स कितना दूर पड़ता है वो भी आपको दिखा दूंगा यहाँ से। तो सीधा ट्रैक के अंदर चलेंगे अपन। और आपको साउंड आ रहा है पता नहीं कैसा आ रहा है, आई थिंक अच्छा आ रहा होगा। तो ये यहाँ से उधर से घूम के आना पड़ता है, यहाँ से गाड़ी वगैरह है बाइक वगैरह, तो यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं कोर्स के अंदर। और ये हमारा ही फार्म हाउस है पूरा का पूरा। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे आप हरियाली और हरा भरा देखते हैं तो हमारा ये हमारा फार्म हाउस के अंदर ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर साइड हम देख सकते हैं आपको इतने पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। तो पता नहीं हमारा कुएत इतना क्यों लगाता है इसको, पेड़ों से इतना कैसे प्यार है पता नहीं, पर हरियाली देख अच्छा लगता है यार, आँखों को सुकून मिलता है। तो और ये यहाँ से आ गया हमारा ट्रैक। ट्रैक इधर अंदर से है, ये देख सकते हैं ये इधर से ये ट्रैक है। तो यहाँ से ओके घोड़ा आएंगे, अपन उधर आगे खड़े रहेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ से ये मीटर वगैरह लगा हुआ है, अब एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ है ट्रैक। ये यहाँ से यह घोड़ों का ट्रैक है, अपन डायरेक्ट ऐसे अंडाकार में है तो उधर सीधे आगे जाके खड़े रहेंगे। घोड़े 1400 से काम निकलेगा आज, 1800 1800, क्योंकि आगे इतना घोड़ा ओपन कर नहीं सकते। तो 1400 1400 से 1800 1800 आएंगे और 600 पे इसको ओपन करेंगे। तो वो वहाँ पर हो गया 800 और यहाँ पर हो गया 600 और आगे आ जाएगा 400। तो अपन वहाँ से खड़ा रह के भी एकदम क्लियर टाइमिंग ले सकते हैं। तो घोड़े तो आई थिंक यहाँ से जा चुके हैं, तो घोड़े बहुत फास्ट आएंगे। अपने को पहले जल्दी से उधर आगे जाके खड़ा रहना पड़ेगा, वैसे टाइमिंग नहीं पकड़ सकते। ओ तेरी बाइक के भी ब्रेक नहीं है यार, ब्रेक की डंडी ब्रेक टूट गया। तो अभी अपन जाएंगे स्टॉप वॉच से टाइमिंग पकड़ेंगे। ये यार हमारे वीर जवान सपूत दो राइडर है दोनों, एक एक घोड़ा है वो तो उम्र में काफ़ी बड़ा है, 4 साल का हो गया, नहीं हाँ 4 साल का तभी हो जाएगा। ये घोड़ी है ये 3 साल की, इसकी अभी रेस है साई की। संजय 400 वनी हागड़ पुश करिए लार 1800 1800 आओ तो अने इधर पर 2600 20 कर दे, 1000 1800 कर दे, ठीक है। बरबर जोड़ी में जाओ तो घोड़ी ने मेरे ख्याल से पकड़ नहीं पाएगा जैन जी। हाँ पकड़ लिया वो, क्या घोड़ी अभी रेस से आई ना, वो बहुत खींचती है, बहुत हार्ड है घोड़ा, क्या रेस्ट में है ना इतना हार्ड नहीं है। और वो चंदन सिंह के एक पिछले सीजन में वो हाथ टूट गया था ना, तो उनको हार्ड घोड़ा भी देते नहीं है। वैसे चंदन सिंह अभी इनको यहाँ पर आ देख सकते हैं, यहाँ पर आके कितना 1 साल हुआ राइडिंग करते सही से, 1 साल में बंदे को एकदम फुल इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। अभी जोड़ी में गैलप जा रहा है, अभी जोड़ी में गैलप आएगा आप ध्यान रखना कितना तकड़ा गैलप आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकले घोड़े, तो अपने को यहाँ पर देखना 2 मिनट के अंदर
यहाँ पर मिलेंगे, पूरा फिनिश कर देगा राउंड 2 मिनट में। तो यहाँ से अपने को अभी दाढ़ी भी बढ़ गई यार, दाढ़ी भी काटने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी थोड़ा काम ज़्यादा है ना, रेसिंग का सीज़न आ गया और ऊपर से मैं नाल बंदी भी करता है ना, तो काफ़ी कम टाइम मिलता है और तो इस वजह से दाढ़ी भी नहीं कर पा रहा हूँ। रेसिंग की टाइम नहीं रहती ना, तो फिर भी कुछ नहीं, तो आज गैलप है, कल ये रेस्ट रहेंगे और घोड़े भी हमारे पास में थोड़े ज़्यादा है इस वजह से काम वाले, और फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो गप्पे पे मारने लग जाते हैं, कभी बार बार नहीं मिलता है क्योंकि हर कोई बार को हमारा थोड़ा रीजन है, कट नहीं करते हैं बाल, ठीक है ना। और तेरी घोड़े आ गए यार, वो देखो आ रहे हैं, ये स्टार्ट आ रहे, दिख रहा है ये था, जाते हैं उनसे रीजन पूछते हैं कैसे गए काम ऐसे सीधा भाग के निकलेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तेरी अभी पता चले कितनी रहती है, देखो ये व्हीकल है वो भी नहीं चलता यार, इतनी रेत है इसके अंदर।